पत्र तैयार किया जाएगा, ये साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से बयान जारी हुआ है। साथ ही साथ बस्तर सरगुजा समेत मैदानी इलाकों के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। तो साल 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, जमीनी स्तर पर भी काम करती हुई यह कांग्रेस दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कहा कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। वैभव, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जमीनी स्तर पर तैयारी की जाएगी, जो लोकल मुद्दे हैं उनको देखकर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, स्थानीय स्तर पर कई बड़े मुद्दे होते हैं जिसका प्रभाव जो है राज्य स्तर पर पड़ता है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार की तैयारी 2018 से कुछ अलग की है। 2018 में जब जन घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, तब उसके जो नेता थे वो बाकायदा जगह जगह पर जाकर के चौपाल लगा रहे थे, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे थे, और उसके आधार पर एक समग्र घोषणा पत्र तैयार हुआ जिसके आधार पर कांग्रेस को एक बड़ी लीड मिली थी। लेकिन 2023 के चुनाव को लेकर के एक रणनीतिक बदलाव कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इसमें अब ये होगा कि जो बस्तर के मुद्दे हैं उन मुद्दों को अलग किया जाएगा, सरगुजा अंचल के जो मुद्दे हैं उनको अलग किया जाएगा, और मैदानी इलाके के जो मुद्दे हैं उसको अलग किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दे जो है तैयार होंगे और उनके बीच से जो है जन घोषणा पत्र तैयार होगा, जो कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के चुनाव के कैंपेन का हिस्सा होगा। तो उन मुद्दों की तलाश में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। स्थानीय नेताओं को कहा गया है कि वो आम लोगों से बातचीत करें और वहाँ के मुद्दों को देखें। ये भी देखा जाएगा कि पिछले 4.5 साल में जहाँ कांग्रेस पार्टी तमाम योजनाओं के जरिए बड़ी सौगातें देने में और बड़ी उपलब्धियाँ देने में जनता को लगी हुई है, वहाँ पर जो है स्थानीय मुद्दे जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो जन आंदोलन वहाँ पे चल रहे हैं, जो जनसंघर्ष वहाँ पे चल रहे हैं, जो स्थानीय स्तर पे जो समस्या है उसका प्रभाव जो है जनता के ऊपर या सरकार के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, उसका एक बकायदा जो है खाका तैयार किया जा रहा है, और यही खाका आपको विधानसभा चुनाव 2023 में नजर आएगा। तो उसकी एक शुरुआत हो गई है, इसकी एक रणनीतिक बैठक भी चल रही है, जिस बैठक का एक बड़ा हिस्सा बूथ स्तर पर आयोजित बैठक भी है, जिसकी खुद जो है मॉनिटरिंग या कहिए कि अगुवाई पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कर रहे हैं। तो वो उस तरीके से एक अलग मुद्दा तैयार हो रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए जो फीडबैक जुटाने में लगी हुई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से मतदाताओं से बीच जाकर रूबरू हो रहे हैं, वहां से जो मुद्दे निकल रहे हैं वो भी 2023 चुनाव का हिस्सा होगा। बिल्कुल, आप बने रहेंगे वे हमारे साथ और भी